हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि जल्द से जल्द इस कोरोना को हरा सकें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग यूनिट से है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स के पास जितना डिपॉजिट होता है उससे कई गुना ज़्यादा वो क्रेडिट क्रिएट कर देते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। नॉर्मल अगर हम इसको सोचें कि अपने पास जमा होने पर जितनी अमाउंट किसी के पास जमा हो उससे ज़्यादा कोई कैसे उधार दे सकता है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम इसको बड़े अच्छे से करता है और उससे इकोनॉमी को बड़े अच्छे से इफेक्ट भी करता है। तो आइए वो प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्रेडिट क्रिएशन मान लेते हैं दो फैक्टर्स हैं, हम पब्लिक और बैंक। हम अपना पैसा बैंक्स के पास जमा करते हैं और बैंक से उधार लेते हैं। तो कैसे वो क्रेडिट क्रिएशन होता है, बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं, इस प्रोसेस को समझना है। इसलिए हम और बाकी सेक्टर्स को इसको इग्नोर करते हैं। पब्लिक जो अपना पैसा बैंक्स के पास जमा करती है और बैंक अपना उसी को क्रेडिट करता है। तो इसमें कुछ अजम्पशंस लेनी होंगी। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, इसका मतलब बैंक अपने पास कुछ अमाउंट जमा रखेगा कैश के रूप में। उसका जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि सभी लोग अपना पैसा एक साथ निकलवाने नहीं आएंगे, इसलिए वो अपना कुछ कैश के रूप में रखेगा और बाकी क्रेडिट कर देगा। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स, ओनली डिमांड, उसको जब चाहे वो पैसा निकाल सकता है। एफडी या इसको आरडी में नहीं इसको कैलकुलेट कर रहे। नो एक्सेस रिजर्व्स, उसके पास कोई एक्स्ट्रा रिजर्व नहीं है। सिर्फ हम प्रोसेस समझना चाह रहे हैं इसलिए इन चीज़ों को ले रहे हैं। बाकी सब कुछ होता है उस हिसाब से क्रेडिट क्रिएशन भी इफेक्ट हो जाता है। नो कैश लीकेज, जितना बैंक है जितना पब्लिक के पास पैसा रहेगा वो एक्सेस जो एक्स्ट्रा पैसा है एक्सेस रिजर्व है वो पब्लिक के पास नहीं होगा, जितना होगा वो बैंक के पास जमा करवाएगा। नो कैश लीकेज, इस प्रोसेस में से कहीं भी कैश लीकेज नहीं होगा, या तो पैसा पब्लिक के पास होगा या बैंक के पास। तो इस प्रोसेस से पैसा बाहर और कहीं भी नहीं जाएगा। हमने ये भी मान लिया कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, बैंकों को अपने हर तरह के कैश के रूप में जो अमाउंट रखना है वो 25%, मान लीजिए उसके पास 100 रुपीज जमा होंगे तो वो 25 कैश के रूप में रखेगा, या जो भी आरबीआई या सेंट्रल बैंक उसको गाइड करेगा, वो टोटल रिजर्व्स हैं जो वो 25% है। और ये मानते हैं कि एक जो पब्लिक पर्सन है वो 200 रुपीज बैंक के पास एज इनिशियल डिपॉजिट करवाता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम 200 रुपीज एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। और वो 200 रुपीज कैसे जमा करवा रहे हैं, ये पब्लिक है ये बैंक है, हम इतने 200 रुपीज बैंक के पास जमा किए। अब बैंक ने उसमें से 25%, जैसे मैंने कहा हमारी एग्जम्पशंस में हमने लिया है 25% कैश के रूप में रखना है और बाकी लेंडिंग कर देना है। तो उसने 200 में से 50 रुपीज कैश के रूप में रख लिया और 150 क्रेडिट कर दिया। अब जब पब्लिक ने उस क्रेडिट को अपने यूज में आया, उसने जिसने भी उधार लिया उसने खर्च किया, एक का जो परचेजिंग है दूसरे का इनकम है। तो जब एक व्यक्ति परचेज करेगा तो दूसरे के पास वह इनकम जाएगी, वह इनकम को अपना बैंक के पास जमा करवाने आ जाएगा। जब उसकी इनकम होगी 150 रुपीज उसने वापस बैंक के पास जमा कर दिया। अब बैंक फिर इसमें से 50%, 37.5 पैसे कैश अपना कैश रिजर्व रख लेगा और 112.5 रुपीज पब्लिक को लेंडिंग कर देगा। अब जब पब्लिक ने जिसने लोन लिया है या क्रेडिट लिया है वो क्या करेगा, फिर कुछ परचेज करेगा। जब वो परचेज करेगा एक का परचेजिंग है दूसरे का इनकम हो जाएगा। जब वो इनकम जिस व्यक्ति के पास आएगी वो बैंक के पास जमा करवा देगा। अब बैंक के पास फिर नया 112.5
पैसा जमा हो गया है, जिसमें से वो 25% कैश रिजर्व के रूप में रखेगा और 84.40 पैसा पब्लिक को लेंड कर देगा, उधार दे देगा। तो ये इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा और एंथ राउंड में बहुत सारा क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा। अब कितना होगा ये देख सकते हैं, एंथ राउंड में पहले में ऐसा, ये सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ये जैसे जैसे अब 84 फिर आएगा तो फिर 63.3 पैसा फिर लैंडिंग हो जाएगा। तो ये प्रोसेस एंथ टाइम था, इसको हम ये नहीं कह सकते 10 बार में 20 बार में, एंथ राउंड में ये कई गुना क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या है कि कितना होगा, ये देखते हैं। क्रेडिट क्रिएशन फर्स्ट राउंड में 200, सेकंड में 150, 112.5, इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा और क्रेडिट क्रिएशन होता जाएगा। अब टोटल क्रेडिट क्रिएशन होगा कितना, इस एग्जांपल में जैसे मैंने आपको बताया कि 200 रुपीज अमित ने जमा किए और हर बार बैंक 25% कैश के रूप में रखने के बाद 75% क्रेडिट कर देता है, तो अब कितने क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा, 200 के ब्याह पे कितने गुना क्रेडिट क्रिएशन होगा, दैट इज द क्वेश्चन। इसके लिए ये है बैंक मल्टीप्लायर, 1 अपॉन रिक्वायर्ड रेशियो, रिजर्व रेशियो। यहाँ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो था 25%, तो देन बैंक मल्टीप्लायर को इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिपॉजिट्स इंक्रीमेंट मिल जाएगा हमें। उसको एग्जांपल से दिखाते हैं हमको, या उसने बैंक के पास जमा किया, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कितना था 25%, इनिशियल डिपॉजिट था 200, तो बैंक मल्टीप्लायर 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, 1 अपॉन 25%, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, तो बैंक मल्टीप्लायर हो गया 4। इसको आप इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, इनिशियल डिपॉजिट था 200, टोटल डिपॉजिट्स इंक्रीमेंट, इनिशियल डिपॉजिट 200, बैंक मल्टीप्लायर 4, दैट इज 800, तो मैक्सिमम हम 200 से 800 रुपीज का क्रेडिट क्रिएशन कर दिया है। बैंक के पास 200 आया और रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 25%, जिसका मल्टीप्लायर, बैंकिंग मल्टीप्लायर हो गया 4 और उससे हो गया 800। तो दिस इज द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, ये है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 25% मल्टीप्लायर 4, जिसके ब्याह पे हम कह सकते हैं कि बैंकों ने 200 से इनिशियल इन्वेस्टमेंट से 800 का क्रेडिट क्रिएशन कर दिया। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना है आपको, ताकि क्रेडिट क्रिएशन बैंक कैसे करते हैं, इससे जो रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व कर सको। इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं ताकि क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस समझ सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस पैंडमिक में इसका बेनिफिट ले सके। तो स्टे सेफ, स्टे होम, सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।